प्लांट्स में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्टोमेटा। क्या पूरी प्लांट की बॉडी पे होते हैं? नहीं, पूरी प्लांट की बॉडी पे नहीं होते हैं, ज्यादातर ये केवल ग्रीन पार्ट्स में होते हैं। जहां प्लांट का ग्रीन पार्ट है वहां पर ये स्टोमेटा पाए जाते हैं, जैसे कि लीव्स की सरफेस पे पाए जाते हैं। अगर हम किसी प्लांट की लीव की सरफेस देखें तो उस लीव की सरफेस पे क्या होगा, उस लीव की सरफेस पे बहुत सारे सेल्स होंगे जिन्हें हम एपिडर्मल सेल्स कहते हैं, जिन्हें हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। वो सेल्स के आसपास जो होगा स्टोमेटा नाम के छोटे छोटे पोर्स होंगे। अगर आप स्टोमेटा को देखना चाहते हैं तो हम इसके बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स विच आर गार्डेड बाय बीन शेप सेल्स। बीन यानी कि राजमा जैसे होता है, उसके जैसे सेल्स होते हैं बीन शेप सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। देखिए किस तरीके से, ये हमारे पास एक स्टोमेटा है, छोटा सा पोर है और इसके दोनों तरफ ये बीन शेप सेल है, दोनों तरफ ये बीन शेप सेल है, इसको हम बोलते हैं क्या, गार्ड सेल्स। ये कौन से सेल है? गार्ड सेल्स। और इन गार्ड सेल्स में छोटी 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 डॉट्स लगा रहा हूं, ये क्लोरोप्लास्ट की डॉट्स हैं। गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है। अभी क्लोरोप्लास्ट क्या करता है इसके बारे में बात करेंगे, बट ये दोनों क्या है, गार्ड सेल्स। ये क्या है? गार्ड सेल्स। और ये जो बीच की ओपनिंग जिसको मैंने शेडेड कर दिया है, ये ओपनिंग क्या कहलाती है? ये कहलाती है स्टोमेटा। अच्छा, ये है ओपन स्टोमेटा। कैसा स्टोमेटा? ओपन स्टोमेटा। और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, वो बंद हो गया, ये खुला हुआ है, ये बंद हो गया, और गार्ड सेल भी श्रिंक हो जाएंगे, ये गार्ड सेल्स इस तरीके से। तो ओपन स्टोमेटा क्लोज स्टोमेटा गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स के दोनों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं, बीच में छोटा सा पोर होता है जो कहलाता है स्टोमेटा, और इस पोर के थ्रू अलग अलग गैसेस, ना कि सिर्फ CO2 O2 भी, कोई सी भी गैस, लेकिन क्योंकि हम यहां बात कर रहे हैं CO2 की, तो केवल CO2 की बात करेंगे। तो इस पोर के थ्रू CO2 अंदर बाहर आएगी जाएगी, या गैसेस का एक्सचेंज होगा। बच्चों जैसे हमारे नोज के थ्रू, हमारे नॉस्टल्स के थ्रू गैस का एक्सचेंज होता है ना, ऐसे ही प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा आर गार्डेड बाय गार्ड सेल्स। ये कहां मिलेंगे? जहां जहां ग्रीन पार्ट होगा प्लांट का, वहां वहां ये सारे के सारे गार्ड सेल्स आपको मिलेंगे। और गार्ड सेल्स किसको गार्ड कर रहे होंगे? स्टोमेटा को गार्ड कर रहे होंगे। क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि व्हाट आर द फैक्टर्स बाय विच दिस स्टोमेटा ओपन और क्लोज। जब स्टोमेटा ओपन होगा, अच्छा पहले ये समझो कि जब स्टोमेटा ओपन होगा तो CO2 अंदर बाहर आ जा सकती है, लेकिन जब स्टोमेटा क्लोज होगा तो ना तो सिर्फ CO2 बल्कि कोई सी भी गैस अंदर बाहर नहीं आ जा सकती। तो ओपन स्टोमेटा हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, बट क्लोज स्टोमेटा डू नॉट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। अब ये जो ओपन स्टोमेटा है, ये ओपन कब होगा और ये स्टोमेटा क्लोज कब होगा, इसके लिए अलग अलग थ्योरीज है बच्चों। तुम्हारे कोर्स में सारी थ्योरीज नहीं है, इसमें पोटेशियम आयन थ्योरी, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, इसके अलावा कुछ और बहुत सारी थ्योरीज हैं, टर्गर प्रेशर थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज हैं, पर तुम्हें वो सब नहीं पढ़नी है। तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि गार्ड सेल की ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करती है मूवमेंट ऑफ, या स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड करती है मूवमेंट ऑफ वॉटर इन गार्ड सेल। जब कभी गार्ड सेल के अंदर पानी आता है तो गार्ड सेल क्या करते हैं, गार्ड सेल स्टफ हो जाते हैं, फूल जाते हैं। जब कभी गार्ड सेल के अंदर पानी आता है तो गार्ड सेल स्टफ हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो ड्यूरिंग ऑस्मोसिस व्हेन वाटर एंटर इनटू गार्ड सेल्स स्वेल्स अप एंड दिस लीड टू ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। लेकिन जब पानी गार्ड सेल से बाहर जाता है तो गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं। व्हेन थ्रू ऑस्मोसिस वाटर मूव आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, when osmosis take place and water move out of the guard cells shrink, which helps in closing the stomata. So when guard cells swell, stomata open, when guard cells shrink, stomata close. Guard cells swell कर गए, stomata open हो गया, guard cells shrink कर गए, stomata close हो गया। तो stomata की opening और closing किसकी मदद से हुई? Guard cells की मदद से।
और गार्ड सेल्स की मदद से कैसे हुई, गार्ड सेल स्वेल करेंगे पानी की मदद से तो वो ओपन हो जाएंगे और गार्ड सेल या वो स्वेल हो जाएंगे और गार्ड सेल श्रिंक करेंगे जब पानी बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थ्योरी और ट्रांसपिरेशन वाटर थ्योरी। तो पानी की मदद से गार्ड सेल की स्वेल होना या श्रिंक होना, गार्ड सेल के स्वेल होने और श्रिंक होने से स्टोमेटा का ओपन या क्लोज होना मेंटेन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरीके से CO2 जो एंटर कर रही है वो कहां से एंटर कर रही है, वो एंटर कर रही है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा में ओपन होगा CO2 अंदर, स्टोमेटा क्लोज होगा कोई CO2 अंदर नहीं। स्टोमेटा ओपन कब होगा, जब गार्ड सेल्स स्वेल करेंगे। स्टोमेटा क्लोज कब होगा, जब गार्ड सेल्स श्रिंक करेंगे। स्टोमेटा ओपन होगा, गार्ड सेल्स स्वेल होंगे कब, जब पानी गार्ड सेल्स के अंदर जाएगा। गार्ड सेल्स श्रिंक करेंगे कब, जब पानी गार्ड सेल से बाहर आएगा। तो इस तरीके से पानी की मदद से भी गार्ड सेल को ओपन और क्लोज किया जाता है या प्लांट्स के अंदर पानी की मदद से गार्ड सेल ओपन या क्लोज होते हैं। तो बच्चों हमने पहला पढ़ा कि सनलाइट कहां से आ रही है, तो सनलाइट आ रही है बच्चों सन से। फिर हमने पढ़ा CO2 कहां से आ रहा है, वो एटमॉस्फेयर से मिल रही है। लेकिन वो प्लांट की बॉडी के अंदर जा कहां से रही है, बाय द टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स व्हिच आर गार्डेड बाय द बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स स्वेल करते हैं, स्टोमेटा ओपन। गार्ड सेल्स श्रिंक करते हैं, स्टोमेटा क्लोज। व्हेन स्टोमेटा ओपन, CO2 एंटर्स इनटू गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स स्वेल्स बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्लोज और श्रिंक बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर आउटसाइड द गार्ड सेल्स। इसके बाद बच्चों आता है हमारे पास अगला रॉ मटेरियल, दैट इज वाटर। अब प्लांट्स को वाटर कहां से मिलता है, तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों प्लांट्स को वाटर कहां से मिलेगा, प्लांट्स को वाटर मिलेगा थ्रू सॉइल। सॉइल के अंदर जो होता है, जब हमारे पास कोई भी प्लांट है और वो सॉइल के अंदर उसकी रूट्स हैं, उन रूट्स के अंदर फिर ब्रांच ऑफ रूट्स हैं और हर ब्रांच पर क्या लगे हुए हैं, रूट हेयर्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए, रूट्स हेयर लगे हुए। ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, ये रूट हेयर्स प्लांट्स के अंदर वाटर के मूवमेंट में मदद करते हैं। तो जितने भी रूट्स हेयर हैं, जितने भी रूट्स हेयर हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो वाटर को एब्सॉर्ब कर रहे हैं। कैसे एब्सॉर्ब कर रहे हैं, बाय द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। वाटर एंटर इनटू प्लांट्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। बच्चों ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं अपना क्या कहते हैं 9th क्लास के अंदर, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको डिटेल में मैं दोबारा बताऊंगा 10th क्लास के अंदर, लेकिन जब हम नॉर्मल क्लास शुरू करेंगे तब। तो इस तरीके से ये जो रूट हेयर्स हैं, ये रूट हेयर्स प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, ये रूट हेयर प्लांट्स के अंदर H2O का मूवमेंट करवाते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। फिर भी मैं आपको बता दूं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, द ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन। दोबारा सुनिएगा, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट From its higher concentration to its lower concentration, or the movement of solvent from the higher concentration, sorry, lower concentration of solute to higher concentration of solute. क्या definition है, कितना लंबा है, वो हम बाद में बात करेंगे बच्चों। इसके बाद दूसरा topic है diffusion. Diffusion is the movement of anything. डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस, जनरली गैस होती है लेकिन हम लिक्विड के लिए भी यूज करते हैं। द मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसेंट्रेशन। तो पानी क्योंकि हमारे पास अगर सॉइल में ज्यादा है तो सॉइल से पानी मूव कर जाएगा कहां पर, रूट हेयर्स में। रूट हेयर से मूव करेगा रूट की ब्रांचेस पर, फिर रूट की ब्रांचेस के अंदर जाइलम के साथ। जाइलम आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर, दीज आर द जाइलम वेसल्स और जाइलम आर द कंडक्टिंग टिश्यू जो कंडक्ट करती है किसको, वाटर एंड मिनरल्स को बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप की मदद से जो वाटर है वो सोइल से कहां जाएगा, प्लांट्स के अंदर जाएगा। तो दो रॉ मटेरियल हुए बच्चों, एक CO2 जो हम एटमॉस्फेयर से मिल गया प्लांट्स को और एक H2O जो सोइल से मिल गया प्लांट्स को। अच्छा, इसके लिए एक और मूवमेंट भी आता है जिसे हम बोलते हैं कैपिलरी मूवमेंट। तो मैं वो डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि अभी तुम्हारे पास ना इतना टाइम तो बहुत है, लेकिन क्योंकि अभी हम लाइव क्लासेस यानी कि एक्चुअल क्लासेस पे नहीं बैठे हैं, उसका फर्क अलग ही होता है। तो जितना हम लोग वीडियो क्लासेस में बता सकते हैं उतना ही बता पा रहा हूं। तो बेसिकली अभी कैपिलरी को समझाना या कैपिलरी मूवमेंट को समझाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा तुम लोगों को। तो एक कैपिलरी मूवमेंट भी होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्या, द वाटर एंटर इनटू द प्लांट्स
थ्रू रूट हेयर्स बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो दोनों रॉ मटेरियल समझ में आ गए होंगे कि CO2 कहां से मिल रहा है, एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, स्टोमेटा से एंटर कर रहा है, H2 कहां से मिल रहा है, वो सॉइल से मिल रहा है, और वो रूट हेयर से एंटर कर रहा है। CO2 को एंटर करेगा बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, H2 एंटर करेगा बाय द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। सनलाइट, सनलाइट ऑब्वियसली बात है हमें कहां से मिल रही है, सन से मिल रही है। बच्चों चौथा और लास्ट जो हमें रिक्वायरमेंट आती है वो आती है क्लोरोफिल की। नाउ व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट। जो प्लांट्स ग्रीन दिखाई देते हैं ना बच्चों, वो प्लांट्स ग्रीन दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन प्लांट्स और ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स।